हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रानू रज़ा। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल रोट। ये रोट मैंने दो तरीके से बनाए हैं। ये मैंने तवे पर बनाया है और एकदम से अच्छे से बेक हो चुका है, और दूसरा बनाया है मैंने ओवन में। ये भी अच्छे से बेक हुआ है और देखिए एकदम बिस्किट की तरह बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई लेंगे, उसको रखेंगे हम मीडियम फ्लेम पर और 2 कप इसमें गेहूँ का आटा डाल देंगे। ये रोट हम मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे और हेल्दी बना रही हूँ तो मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। इसको लगातार चलाते हुए हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए और जो आटा है हमारा उसमें कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए, इसलिए हम अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। देखिए आटा अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में अब हम डाल देंगे 1/2 कप सूजी। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम लगातार भून लेंगे और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे। तब तक हम इसे भूनेंगे और थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो सूजी भी हमारी भुन चुकी है, तो इसको भी हमने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। और यहाँ मैंने 1/2 नारियल को कद्दूकस कर लिया था और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, पिस्ता, बादाम और 4 मगज़। इसको मैंने बारीक काट लिया था और वाइट तिल भी लिए हैं थोड़े से। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको भी रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे आटे में मिक्स कर देंगे। अब 1 कप ली है मैंने पाउडर शुगर। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है, उसको भी मिला देंगे। अच्छे से मिलाएंगे ताकि चीनी हमारे पूरे आटे में मिल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप भरकर देसी घी। जितना आप घी ज़्यादा डालेंगे उतने ही ये टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी। इसी तरह हम इसको मल कर मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी। 1/2 कप दूध मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून और डाल दिया है। ये देखिए डो जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो आप ये ना सोचिएगा कि इसके बिस्किट कैसे तैयार होंगे। तो इसको हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है फूल जाए, उसके बाद डो अच्छा टाइट हो जाएगा। इतना दूध हमारा बच गया है तो इसे भी रख देते हैं। तो यहाँ एक बेकिंग ट्रे ली है, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ इसके ऑयल लगा लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो आइए इसके रोट तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से वाइट तिल लिए हैं और चॉप बादाम लिए हैं। इनको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। आप इन्हें चाहें तो बड़ी रोटी की तरह भी बेक कर सकते हैं बनाकर, लेकिन मैं छोटे छोटे बनाऊंगी। इस तरह से छोटा पेड़ा लेकर इस तरह से हम इसे नान खटाई की शेप दे देंगे। सर्कल में इसे इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से लगाकर इसको गार्निश कर लेंगे तिल के साथ। इसी तरह से हम सारे अपने रोट्स तैयार कर लेंगे। आप इन्हें इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं बिना गार्निशिंग के। आप जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे इन्हें बना सकते हैं। गार्निशिंग करने से ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पर, और इन्हें 180 डिग्री पर मैंने बेक करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर 30 मिनट के लिए रख दिया। 30 to 35 मिनट्स लगते हैं ओवन में, अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तवे पर बेक कर लेते हैं। ये भी हमारे बनकर तैयार हैं। ऊपर से इन्हें वाइट तिल और बादाम के साथ हम गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। तो चलिए तवा यहाँ लिया है मैंने नॉनस्टिक का और इसको रखा है लो फ्लेम पर। सभी रोट्स को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे तवे के ऊपर।
अब हम इसको कवर कर देंगे। एक साइड हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको बेक करेंगे लो फ्लेम पर, उसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, नीचे से काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो धीरे धीरे हम इन्हें पलट देंगे, इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। ये देखिए एक बहुत सॉफ्ट है तो ये थोड़ा सा टूट भी गया है, तो कोई बात नहीं, बाकी हमारे सभी अच्छे से बन जाएंगे। तो दोबारा से कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, उसके बाद चेक करेंगे। रोट्स हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं, लेकिन हम अभी दोबारा से इनको चेंज नहीं करेंगे, गैस अपनी ऑफ कर देंगे। अब कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए, तो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो उसमें ये बेक हो जाएंगे। यहाँ देखिए ओवन के हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं, ये हमारे तवे पर बने हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से रोस्ट हुए हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो आप इन्हें इंजॉय करिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपके रोट्स कैसे बने थे। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।